हेलो दोस्तों, सैनी इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक ये पंखे की वाइंडिंग की है। आज मैं आपको इस वाइंडिंग में कनेक्शन करना बताऊंगा, कैसे कनेक्शन करते हैं, और ये पंखा चेक करके बताऊंगा दोस्तों ये ठीक है या ख़राब है। सबसे पहले दोस्तों, आप सीरीज बोर्ड में प्लग को लगा ले। ये मेरा सीरीज बोर्ड है, ये देखो दोस्तों, वहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, ये ब्लैक वायर है, ये स्टार्टिंग की कोयल है, ये मेरा बल्ब ओके है, ये बॉडी करंट नहीं है, ये रनिंग की कोयल है, ये मेरा ओके है दोस्तों, बॉडी करंट नहीं है। अब दोस्तों, इसमें कनेक्शन कैसे करते हैं दोस्तों, ये 315 का कंडेंसर है, इस कंडेंसर को आप इसमें डाल ले। उसके बाद दोस्तों, एक रनिंग की एक स्टार्टिंग की दो तार को आपसी में मिला ले। ये मिलाने के बाद दोस्तों, जो सबसे ऊपर है पॉइंट है, उसमें ये दोनों तार आप डाल कर ये नट कस दे। रनिंग स्टार्टिंग की डालने के बाद दोस्तों, ये एक ब्लैक वायर बचती है, इसको आप कंडेंसर पर लगा दे। ये एक रेड वायर बचती है, इसको आप दूसरे कंडेंसर कनेक्शन पर लगा दे। उसके बाद दोस्तों, ये ब्लैक वायर हमारा फ्री होता है, चाहे तो इस पर टेप मार दे, चाहे दूसरे नंबर पे इसको नट खोल कर अंदर करके नट को टाइट कर दे। ये करने के बाद दोस्तों, ये रनिंग है हमारी, ये सबसे नीचे और ऊपर ब्लैक और रेड वायर सबसे ऊपर न्यूट्रल फेस की। दोस्तों, हमेशा सप्लाई इस रेड वायर पे और ऊपरली रेड वायर पर देनी है हमें। ये उसके बाद अंदर करके इस नट को कस दे। हमारा कनेक्शन दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। कई भाई ये रनिंग नीचे की जगह ये ब्लैक वायर दे देते हैं दोस्तों, उससे पंखा जलने का चांस ज़्यादा होता है। तो आप कभी भी नीचे दे तो रनिंग वायर ही दे नीचे, और ऊपर ब्लैक और रेड वायर मिलके जो बनता है उस पर कनेक्शन दे, एक ऊपर एक नीचे। दोस्तों, हमारा ये कनेक्शन कम्प्लीट हुआ। अब मैं इस पंखे को आपको चलाकर स्पीड दिखाता हूँ इसकी। दोस्तों, ये सबसे ऊपर कनेक्शन है, ये नीचे का है, इन दोनों में आप वायर डाल ले। वायर डालने के बाद ऐसे कस दे, फिर ये दो नंबर पे जो नीचे है उसमें वायर डाल ले, इसको कस दे। ये हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। पेचकस की सहायता से इसको ऐसे पकड़ ले, उसके बाद आप सीरीज बोर्ड में लगाएं। ये हमारा पंखा दोस्तों चलने लगा है। ये दोस्तों अभी सीरीज में चल रहा है। अब मैं इसको आपको मेन सप्लाई में लगा कर दिखाता हूँ। ये देखो दोस्तों, स्पीड भी बहुत तेज़ है दोस्तों, हाथ से रोकने से पता चल रहा है कितना लोड ले रहा है, ये फुल स्पीड में है। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना।